नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो आज गणपति जी के विसर्जन की तैयारी यहाँ पर चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कनुषी कितनी एक्साइटेड है, बच्चे देखे यहाँ पे बड़े ही खुशी से जो है इस कुंड में फूल डाल रहे हैं। तो ये जो तैयारी है वो इसलिए है कि आज गणपति जी की आरती करने के बाद इसमें हम उन्हें विसर्जित करेंगे। और जैसा कि मैं हर साल यही कोशिश करती हूँ कि हम इको फ्रेंडली गणेशा या तो लेकर आएँ या खुद बनाएं, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो नदियों में हम इस तरीके से मूर्ति को बहा देते हैं, ये सही नहीं है। और अगर आप सच्चे भक्त हैं गणपति जी के, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और इसका एक और बेनिफिट है कि जब हम उन्हें विसर्जित करते हैं, उसके बाद ये पानी हम अपने आंगन में, अपने पौधों में डाल देते हैं, तो इस तरीके से उनका आशीर्वाद और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की एक्साइटमेंट इस तरीके से इस कुंड को फूलों से सजाने की। तो सारे बच्चे एक एक करके इसमें फूल डाल रहे हैं। और कहते हैं ना कि सुख दोस्तों के साथ बांटने से दुगना हो जाता है और दुख बांटने से हल्का हो जाता है। तो आज बप्पा के जाने का दुख हमें डेफिनेटली है, और साथ में ये उम्मीद भी है कि अगले साल वो जल्दी आएंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स देखिए प्यारे प्यारी तैयार होकर आ गई हैं। सो ये प्रिटी प्रिटी मंदाकिनी देखो, एकदम पूजा वाला रंग, सभी ने पूजा वाला रंग पहना है। एक्चुअली ब्राइट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स। सोनी लुकिंग वेरी प्रिटी, दीपिका, एंड मेरा भी लुक दिखा दो। ओह दिस इज वेरी प्रिटी अनु, थैंक यू। ये है हमारी प्यारी स्रग्वी फूलों को अच्छे से अरेंज करते हुए। और इसके बाद हम सभी लोग हमारे घर के बेसमेंट में आ गए, जहाँ पे हमारे बप्पा विराजमान हैं और जिनकी पूजा आज हम सब साथ में करेंगे। बोलो गणपति भगवान की जय। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।
यूं तो पप्पा की आरती हम एवरी डे करते थे, लेकिन जब भी इस तरीके से दोस्तों के साथ में करते हैं ना, तो अलग ही माहौल हो जाता है और इतना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर जो क्लिपिंग्स आप देख रहे हैं, ये है आरती के बाद जब सब ने अपनी अपनी मनोकामना बप्पा से कही, उनके जाने के पहले उनसे कुछ प्रे किया और जो भी अपनी अपनी विशेज हैं वो बप्पा से मांगी, इस आशा के साथ कि बप्पा सुनेंगे और अपनी कृपा हम सब पे करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बप्पा से अपने मन की बात कह सकते हो, वो ज़रूर सुनेंगे। जीवन है तो सुख दुख तो चलता ही रहेगा, सुख में तो डेफिनेटली बहुत ही आनंद होता है, लेकिन दुख में आपको दुख सहने की शक्ति गणपति जी ज़रूर देंगे। देखिए विश्वास कितनी बड़ी चीज़ होती है ना, हम सभी को विश्वास है कि गणपति जी हमारी बातें सुन रहे हैं, तभी तो हर कोई अपने मन की बात उनसे कह रहा है और मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। बस अब हो गया था समय प्रसाद खाने का, जिसमें है मोतीचूर के लड्डू जो गणपति जी को भी बहुत पसंद है। अरे लड्डू ये देखिए दीपिका का क्यूट सा रिएक्शन लड्डू को देख के। ऑफकोर्स जब प्रसाद में गणपति जी के फेवरेट मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे तो ऐसा रिएक्शन तो आना ही है। चलिए अब देखते हैं हमने किस तरीके से गणपति जी का विसर्जन किया। पूजा की थाली पापा के जाने का समय हो गया, इसलिए अब हम उन्हें कहेंगे पापा अब जाइए और अगले साल जल्दी से आइए। तो हम उनको थोड़ा सा हिलाएंगे। गणपति पापा मोरिया, मूर्ति मोरिया, गणपति पापा मोरिया, मूर्ति मोरिया, गणपति पापा मोरिया, मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बापा मोरिया। गणपति बप्पा कहते हुए हम सब लोग गणेश जी को यहाँ ऊपर लेकर आए, जहाँ पे हमने ये कुंड तैयार किया था उनके विसर्जन के लिए। जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, इसे हम कैसे रेडी कर रहे थे और बस अब हम यहाँ पर आके आरती करेंगे और बप्पा को विसर्जित करेंगे। बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ खुद करना होता है इसलिए उन्हें समझाना भी पड़ता है, क्योंकि आरती की थाली थी, किसी को लग ना जाए, किसी को जल ना जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बच्चे तो खुद ही ईश्वर का रूप हैं, तो उन्हें शामिल करने में हमें जो खुशी मिलती है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर सारे बच्चों को आरती करनी है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि हम सभी की जो कोशिश है ना, वो एक तरीके से सफल होती दिखती है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे संस्कार समझें, उन्हें फॉलो करें, तो वो हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से साथ में मिलके हमने गणपति बप्पा को विसर्जित किया। सारे बच्चे आ जाइए, आ जाओ बेटा, हम लोग लगा लो, धीरे धीरे, हाँ देखना गिरे नहीं। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। छोड़ दो सब लोग, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो सब लोग, हाथ जोड़ो, जय 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 जय, ओह माय गॉड, जय जय बेटा, अब अगले साल आएंगे। ओके चलो चलो, हाँ चलो, शाबाश, जय जय, हाउ आर यू फीलिंग। तो बप्पा का विसर्जन हो गया है, आ जाओ सब लोग। तो बप्पा का विसर्जन हो गया है, हम सब लोग थे आज साथ में। तो कहते ना, ये जो मुश्किल घड़ी है वो भी आसान हो जाती है, तो जो विदाई का जो माहौल था
वो बहुत आसान हो गया हमारे लिए भी और सबके लिए, है ना। और हम सबको आशा है बप्पा अगले साल आएंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे अगले साल भी। आप लोग बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा तो पहली बार था कि मैंने बप्पा को विसर्जित होते हुए भी देखा। और थैंक यू अनु, और थैंक यू, मेक ऑल द फेस्टिवल्स वेरी वेरी चीयरफुल एंड आई मीन हाउ यू शुड सेलिब्रेट द फेस्टिवल, वी शुड लर्न फ्रॉम यू एवरीवन इन इंडिया आल्सो। अरे अरे नहीं, वही है कहते ना ये ईश्वर शक्ति देते हैं कि आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओ या उनकी भक्ति कर पाओ, इसकी शक्ति भी वही देते हैं। तो मंदाकिनी कुछ कह रही थी? नहीं, जनरली यही कि बहुत सैड लग रहा था घर पे भी विसर्जन करके, जब यहाँ पर आए फिर यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है कि सब भूल जाते हैं। Exactly. सबके साथ फिर अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली Exactly. है ना संध्या, ये मेरे लिए पहला मैंने देखा विसर्जन होते हुए, तो बहुत ही अच्छा इमोशनल एंड हैप्पी। एग्जैक्टली तुम बताओ, हमेशा आप सोनी को देखते रहते हो वीडियोस में। As usual, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी फेस्टिवल जो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं वो एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही रौनक हो जाती है। और कहते हैं ना दोस्त दुख में सुख में जब हमेशा साथ होते हैं तो दुख सहने की शक्ति मिल जाती है और सुख दुगना हो जाता है, है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार आखिरी में गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हाँ जी, तो बप्पा के विसर्जन के बाद अब बारी है खाना खाने की। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना एज यूजुअल, भोग वाली सब्जी। मेरे हर वीडियो में अभी आपने देखा होगा जो भी मैंने गणपति गणेश चतुर्थी के शेयर किए हैं, राजमा इस बार बनाया है, काजू करी, पनीर बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को पनीर पसंद होता है, पनीर पकौड़ा भी बच्चों के लिए बनाया इस बार क्योंकि आज बच्चे ज्यादा है, और साबूदाने की खिचड़ी, और ये मेरे हाथ के अचार जो कि बहुत ही हिट हो रहे हैं। चलिए, और यह है रोटी। तो मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे इतनी सारी कुकिंग मैनेज करती हूँ और पूरे 10 दिन बप्पा को घर पे रख के उनकी सेवा कैसे करती हूँ। तो इसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी आपके लिए और बताऊंगी कि मैं कैसे फेस्टिवल्स के दौरान कुकिंग एंड ऑल मैनेज करती हूँ। और देखिए यहाँ पर ये आपने स्टार्टिंग में भी देखी थी प्यारी सी क्लिपिंग जहाँ पे बप्पा के विसर्जन की तैयारी चल रही थी, उसके बाद हम लोगों ने साथ में कुछ फोटोज क्लिक की। ये तो बहुत ज़रूरी होता है ना, इन प्यारी प्यारी यादों को संजो के रखना हम सभी को अच्छा लगता है। और बस यही हम सब ने भी किया बप्पा के साथ में, ये प्यारी प्यारी फोटोज जो हमें हमेशा याद दिलाएंगी कि हम सब बप्पा को कितना प्यार करते हैं और उनका इंतजार हमें है, वो जल्दी ही अगले साल आएंगे और फिर से हमें अपनी सेवा का मौका देंगे। आशा है इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। बस एक ही शिकायत मेरी होती है, आप सब लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और इसके बाद प्लीज़ इसे शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाते जाते मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बप्पा आप सबकी मनोकामना पूरी करे। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।